अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वाइज के अबाउट, किस तरह से वाइज के अंदर मौजूद फंड्स को आप लोकल पाकिस्तानी बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वाइज बेसिकली पेपाल और पायनियर की तरह ही एक सर्विस है, जिसके ज़रिए आप लोग इंटरनेशनल क्लाइंट से या इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस जैसे फाइवर अपवर्क से अपना फ़ंड जो है वो रिसीव कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही वाइज आपको डिफरेंट इंटरनेशनल बैंक्स प्रोवाइड करता है, जिन बैंक की डिटेल आपके पास होती है, और आप किसी भी क्लाइंट को वो बैंक डिटेल भेज सकते हैं। लेट्स सपोज आपका एक क्लाइंट यूएसए में है और वो यूएसए के बैंक से पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो वाइज से आप यूएसए के बैंक की डिटेल लेंगे जो कि आपकी अपनी होंगी, क्लाइंट को भेजेंगे, क्लाइंट उसके अंदर पेमेंट करेगा और वो पेमेंट आपको आपके वाइज अकाउंट के अंदर रिसीव हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है। उसके बाद वाइज के अंदर जो फंड रिसीव होगा उसको आप पाकिस्तानी बैंक के अंदर ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं और विद इन सेकेंड्स आपकी पेमेंट जो वाइज से आपके लोकल बैंक अकाउंट के अंदर रिसीव हो जाएगी। तो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम यही देखने वाले हैं, किस तरह से आप लोग अपना वाइज के अकाउंट से जो फंड्स मौजूद हैं उसके अंदर डॉलर्स मौजूद हैं उनको किस तरह से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने पाकिस्तानी लोकल बैंक अकाउंट के अंदर। स्टिल अगर आपका वाइज का अकाउंट अभी तक नहीं बना हुआ तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से आप जाके अपना वाइज अकाउंट बना सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं और अपने क्लाइंट से किसी भी इंटरनेशनल मार्केट प्लेस से अमाउंट्स जो है वो रिसीव कर सकते हैं। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और असल टॉपिक को डिस्कस करें। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें हमारे पास डिफरेंट बैंक अकाउंट्स मौजूद हैं, डिफरेंट करेंसीज के बैंक अकाउंट्स। लेट्स सपोज अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे मुझे इस पूरे बैंक अकाउंट की डिटेल्स मौजूद हैं जो कि मेरे पास हैं, जिसको मैं क्लाइंट को सेंड कर सकता हूँ। और इस डिटेल्स के अंदर क्लाइंट जो है यूरो के अंदर पेमेंट्स करेगा और मुझे वो अपने वाइज अकाउंट के अंदर रिसीव हो जाएंगी, राइट। बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट प्रोसेस है। अभी ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है ड्यू टू माय इंटरनेट कनेक्शन। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सारी डिटेल्स हैं, इनको कॉपी करके हम अपने क्लाइंट को भेज सकते हैं। बट अभी के लिए हम चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर और यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे देखें यूएस डॉलर के अंदर $160 मेरे पास मौजूद हैं और सबसे अच्छा एक्सचेंज रेट वाइज देता है पायनियर से भी अच्छा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये अमाउंट है। सिंपल हमने यहाँ पे उस बैलेंस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है सेंड। तो सिंपल आप लोगों ने सेंड पे क्लिक करना है। सेंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से ऑप्शंस नज़र आएंगे, इंटरनेशनल और सेम करेंसी। आपने अगर वाइज से अपने लोकल पाकिस्तानी बैंक अकाउंट के अंदर भेज रहे हैं तो फिर आपको सेम करेंसी में नहीं बल्कि इंटरनेशनल पे क्लिक करना होगा। बट अगर आप वाइज टू वाइज कहीं और भेजना चाह रहे हैं तो फिर आप सेम करेंसी कर सकते हैं, यूएसडी टू यूएसडी किसी और को भेजना चाह रहे हैं। बट राइट नाउ हमें क्या करना है कि वाइज अकाउंट से पेमेंट जो है वो लोकल बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करनी है। तो मैं इंटरनेशनल पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखिए $160 अगर मौजूद है और इस तरह पे यहाँ पे कुछ डिटेल्स दे रहा है कि ये हमारी जो है वो फ़ी लगेगी और ये एक्सचेंज रेट हमें मिल रहा है। और यहाँ पे देखें काफ़ी अच्छा एक्सचेंज रेट मिल रहा है 298, और यहाँ पे हमारे पास ये टोटल अमाउंट बन रही है। तो सिंपल इसको मैंने क्या करना है, कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे ये हमसे पूछेगा कि आपको किसको सेंड करना है। यहाँ पे आप अपना जो है आईबैन ऐड कर सकते हैं, ऐड न्यू अपना बैंक अकाउंट का आईबैन मैंने ऑलरेडी क्या है यहाँ पे ऐड किया हुआ है, यहाँ पे देखें। तो सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगा। सिर्फ आपको आईबैन चाहिए, वो आपके जो डिजिटल एप्लीकेशन है किसी भी बैंक अकाउंट की, वहाँ से आप अपना आईबैन ले सकते हैं या अपने बैंक अकाउंट से ले सकते हैं। आपकी चेकबुक पर भी आईबैन मौजूद होता है, वहाँ से आप एंटर कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ तो यहाँ पर वो मुझे ऐड करने के लिए नहीं कह रहा। तो सिंपल मैंने उस अपना अकाउंट सेलेक्ट किया। अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं कोई भी रीजन सेलेक्ट कर लूँगा, कंटिन्यू कर दूंगा, और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे मुझे पूरी समरी दे देगा और सिंपल मैंने इसको कंफर्म एंड सेंड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये मुझसे एक बार दोबारा पासवर्ड मांग रहा है, मैं यहाँ पे एक और दफा पासवर्ड जो है वो एंटर कर दूंगा। और जैसे मैंने डन किया तो यहाँ पे हमारी जो पेमेंट है वो यहाँ से सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो जाएगी हमारे लोकल बैंक अकाउंट के अंदर। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी और सिंपल प्रोसेस था, आपने देख लिया। इसमें किसी तरह का कोई भी इशू या कोई भी प्रॉब्लम फेस आ रही है आप लोगों को तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके रेलिवेंट जो है वो वीडियो बना दूंगा, आपका जो इशूज़ या प्रॉब्लम्स हैं उनको फिक्स करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर देखें हमारी जो पेमेंट है वो सेंड हो चुके हैं सक्सेसफुली और ये विद इन सेकेंड्स मेरे बैंक के अंदर आ चुकी होगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी तरह कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस आपको अच्छे तरीके से और टाइमली मैनर्स में मिलती रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह।